इन पांच वैज्ञानिक तरीकों से इंसान हो सकता है अमर। इस दुनिया में सबसे कड़वा सच है मृत्यु। प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित रूप से होता है। वह अलग बात है कि किसी का अंत जल्दी हो जाता है तो किसी के देर से होता है। बावजूद इसके प्राचीन काल से ही मनुष्य की इच्छा अमर होने की रही है। इस धरती पर मौजूद ज्यादातर लोगों की इच्छा यही होती है कि वह एक लंबी उम्र तक जीवित रहे। आज के दौर में मनुष्य के अमर होने का मात्र एक सहारा है विज्ञान। एक रिसर्च के मुताबिक मनुष्य की औसत आयु बढ़ती जा रही है और इसका कारण है कि पिछले कई दशकों से मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो रही तरक्की। इस वीडियो में हम आपको अमर होने के तरीके के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से भविष्य में इंसानियत अमर होने का सपना पूरा कर सकेगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 50 वर्षों के अंदर नैनो बोट्स इंसान को अमर बना सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नैनो बोट इंसान के शरीर के अंदर हजारों की संख्या में काम करेगा, जिनकी मदद से वे इंसान के शरीर को न केवल कई बीमारियों से बचाएगा बल्कि नशीले हो चुकी कोशिकाओं की मरम्मत भी करेगा। ट्रांसजेनिक। भारत में कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो कभी भी मरते नहीं हैं और न ही कभी बूढ़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर जेली फिश की एक ऐसी प्रजाति को खोजा है जो कभी भी मरती नहीं है। यदि कोई ना मारता तो वह हमेशा ही अमर बनी रहती है। अगर इस जीव का डीएनए इंसान के डीएनए के अंदर मिला दिया जाए तो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। डिजिटल ऊर्जा का तरीका। यह अमर होने का तरीका काफी अच्छा तरीका है और इस तरीके से इंसान को अमर कर बनाना भी आसान है। वैज्ञानिक अभी भी कुछ ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जिनकी मदद से इंसान के दिमाग के पूरे डेटा को एक चिप के अंदर सेव किया जाता है, जिनके बाद उस पूरे डेटा को एक रोबोट के अंदर भेज दिया जाता है और उस व्यक्ति का दिमाग उस रोबोट के पास होगा जिससे वह हमेशा अमर रहेगा। ब्रेन टू ब्रेन डेटा ट्रांसफर। इसमें एक इंसान के दिमाग के डेटा को दूसरे इंसान के दिमाग के अंदर भेज दिया जाएगा। मान लीजिए एक इंसान 100 साल का है और दूसरा 12 साल का है, तो 100 साल के इंसान का डेटा 12 साल के इंसान में भेज दिया जाए तो 100 साल का इंसान 12 साल के बच्चे के रूप में जिंदा रहेगा।